हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग बाय संचित। आज मैं आपको एक बहुत ही अहम मेंबर से मिलवाने वाला हूँ अपनी फैमिली के। ये हमारा नींबू का पेड़। जब से मैंने होस्ट संभाला है, मैंने इस जगह पर अपने गार्डन में नींबू का पेड़ देखा है। इससे हमारे गार्डन की ब्यूटी बहुत बढ़ जाती है और ये एक्चुअली बहुत एक फलदार पेड़ है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे गुच्छों में फल आए हुए हैं एकदम से। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे इस पेड़ के बारे में, ये हमारे पास कैसे आया और इसके साथ क्या क्या चैलेंजेस आए हमें, और अगर आप लगाना चाहें ऐसा नींबू का पेड़ तो कैसे लगा सकते हैं, उसकी केयर एंड मेंटेनेंस कैसे करनी है, और सबसे बड़ी बात कि ये बाज़ार में मिलने वाले नींबू से डिफरेंट कैसे है। सो लेट अस गेट टू द वीडियो गाइस। ये मलिक फार्म्स के ओनर हैं, माय फादर मिस्टर अनिल मलिक। हेलो। एंड ही विल टेल अस मोर अबाउट दिस लेमन ट्री। तो बताइए सर, ये आपके पास लेमन ट्री कितना पुराना है और क्या इसकी हिस्ट्री है? इनफैक्ट ये लेमन ट्री तो अभी इतना पुराना नहीं है, तो 3 साल ही है, लेकिन ये मैंने जिस ट्री से इसको कलम करके बनाया वो मुझे 20 साल 25 साल पहले किसी फ्रेंड ने कालका से लाकर दिया था सैपलिंग। तो कालका से क्यों लाए थे? कोई स्पेशलिटी है वो इसकी? कालका से लेके आए थे, उन किसी नर्सरी थे तो अच्छा, उनके पास स्पेयर प्लांट था और ही गेव इट टू मी। तो इसकी खास बात क्या है इस लेमन ट्री की? इसकी खास बात ये है कि एक तो ये सीडलेस है, दूसरा इसका साइज बहुत अच्छा होता है, और ये अंगूरों की तरह से बंचेस में लगते हैं। हमने इस पे 10-10 नींबू के बंचेस भी लिए हैं। ये देखिए, जैसे ये है, ये काफ़ी बड़ा बंच है, इसमें आप देख सकते हो कि सात हाँ, छः छह सात सात हाँ नींबू छः इसमें सात लगे हुए नींबू, हैं। ठीक है, वेरी इवन नाइस। बंचेस अप टू 9-10 अच्छा, भी ऐसे यहाँ पे बंचेस में लगते लगते हैं। तो ये जो हमारे बाजार में छोटा देसी नींबू मिलता है उससे कैसे अलग है ये? इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है, टेंजीनेस बहुत ज़्यादा है उससे। हम्म, ये जो नींबू है हमारा, इसमें रस आप देख सकते हैं कुछ कितना। सबसे पहली बात, इसमें कोई सीड नहीं आपको मिलेगा, और फिर इसका जूस जब निकालेंगे एक नींबू में, देखिए कितना रस। अभी अगर वो रस निकालने वाले स्क्वीजर्स हो तो उससे ये आधा ग्लास, ये भी आ गया, और बहुत फ्लैशी होता है। इसका अचार या खट्टा मीठा जब आप चटनी बनाओ तो बहुत टेस्टी बनती है। तो क्या इसमें है कि एक तो इसका अचार बहुत अच्छा बनता है बिकॉज इसकी जो है ये वो फ्लैशी है, फ्लैशी है, इसकी स्किन सेकंड इसमें जूस अमाउंट बहुत अच्छा जूस होता है, अमाउंट बहुत है। इसकी फ्लेवर बहुत डिफरेंट है जो हमारे फ्लेवर मंडी में फ्लेवर बाजार में नींबू मिलता है उससे। एंड इट लेमन इज सीडलेस स्क्वैश, ऑल्सो, इसमें बीज बिल्कुल नहीं है, तो अगर और आपको लेमन लेमनेट स्क्वैश बनाना है बनाने के लिए ये आइडियल है। अच्छा, आइडियल है, आपको उसको फिल्टर नहीं करना पड़ता अलग से। फल देने लगा ऐसे ही, कई साल तक खूब फल आया। फिर इसका स्टेम जो है, मैंने एक दिन नोटिस किया कि वो दीमक से आधा आधा स्टेम इसका वो खाया गया था, उसको साल्वेज किया, तो फिर ये स्टॉर्म से एक दिन एक बार झुक गया, फिर उसको बांधा बूंदा, लेकिन वो 2-3 साल के ज़्यादा बाद सरवाइव नहीं किया। लेकिन इन द मीन टाइम इसको हमने कलम से एक प्लांट इसका तैयार कर लिया था, तो उसी सेम स्पॉट पे उसको लगा के वी आर हैविंग द वही वाले नींबू। हमें ये हमने कलम काटी है पॉइंटेड,
और इसमें हमने स्लिप बना के इसको इसमें रख दिया है, और अब इसको ऊपर से हम बांध देंगे टाइटली। इसके अंदर कोई मीडिया लगाने की ज़रूरत है या नहीं, ऐसे भी कुछ हो जाता नहीं, है? बस इसको ऊपर से मॉस या कुछ रख के और इसके ऊपर पन्नी बांध दो और उसको गीला रखना होता है। अच्छा, तो यहाँ से इसकी जड़ें निकलेंगी अंदर से। अच्छा, कितने टाइम में होती हैं जड़ें ये इसकी? बारिश, बारिशों का मौसम आ रहा है, बाय द एंड ऑफ रेनी सीजन। ओके, तो हम इसको नोटिस करेंगे। तो इसको कितने टाइम बाद, हम जड़ें आने के कितने टाइम बाद प्लांट कर सकते हैं? अभी इसके ऊपर हम थोड़ा मॉस लगा के बांध देंगे, और जड़ें आने के बाद कभी भी आप उसको प्लांट। और उसके लिए आइडियल सीज़न कौन सा रहता है? आइडियल सीज़न बिफोर दी सर्दी शुरू होने से पहले। ओके, तो इसमें जैसे हम देख सकते हैं कि आपने काफ़ी जगह पर उसको सपोर्ट किया हुआ है, तो ऐसा क्यों करना पड़ा आपको? क्योंकि इस पर जब फ्रूट बहुत ज़्यादा आया तो इसकी टहनियाँ, जैसे आप अभी भी देख रहे हो कितनी नीचे झूल गई हैं। हाँ जी, तो उससे इसका झुकाव हो गया था एक साइड पे। अच्छा, और कुछ हमने ये लॉन को धूप देने के लिए इस तरफ से हमने ज़्यादा प्रूनिंग की हुई है। अच्छा, तो उधर झुकाव होने की वजह से फिर हम इसको नीचे से सपोर्ट देनी पड़ी कि कहीं ये स्टेम ही ना इसका टूट गिर जाए। और इसमें अदर देन दैट और क्या क्या कोई प्रॉब्लम्स आई, कोई बग या कोई? हाँ, बग्स आते हैं सीजनल, गर्मियों में काफ़ी बग्स आते हैं, उसके लिए इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना पड़ता है। अच्छा, कम से कम, क्योंकि घर में हमारी ये है, अपने कंज्यूम करते हैं जी, तो बहुत स्पेयरिंगली, जब बहुत ज़्यादा कोई में नेस्ट बढ़ जाती है तो कभी करते हैं। ठीक है, तो केयर जो है इसकी ऑल राउंड देखनी पड़ती है। और जैसा कि एसी के सामने लगा हुआ है तो इसकी हीट कुछ इसको इससे वो पत्ते आप देख रहे हो, पत्तों में बर्न हो रहा है, ड्राइनेस, और वो फल भी सूख जाते हैं उसके लिए। ओके, सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आपको इसमें काफ़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिली होगी। सो आई थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।